बोर्ड एग्जाम 2021 क्या अपने समय पर हो पाएंगे, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कोरोना के सेकेंड वेव को आसानी से महसूस किया जा सकता है। देश के अधिकतर राज्यों में ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं, कोई ऑफलाइन क्लासेस या फिजिकल क्लासेस नहीं चल रहे हैं, और लगातार जिस तरह से स्कूल्स को और आगे डेट्स पे बंद करते जा रहे हैं सभी राज्य, इससे लग रहा है कि शायद बोर्ड एग्जाम 2021 पोस्टपोन होगा। लेकिन सीबीएसई अपने तरीकों से लगातार हैरान कर रही हैं, परेशान कर रहे हैं। इस वक्त सीबीएसई ने, कल मैंने आपको अपडेट दिया था, आज भी मैंने आपको अपडेट दिया, सीबीएसई ने एक क्वेश्चन बैंक जारी किया है। हालांकि ये बिग क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्वेश्चन बैंक जारी किया है क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो भी आधा अधूरा। अभी आपको हम एक शॉकिंग अपडेट देंगे। शॉकिंग अपडेट यहां पे ये है कि जहां अभी इस वक्त सीबीएसई का फोकस होना चाहिए था क्लास 10-12 के ऊपर में, कि उनको समय से सारे क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दे, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन सीबीएसई आगे का सोच रही है, हालांकि अच्छी बात है। तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं, अभी का अपडेट, शॉकिंग अपडेट मैं इसे कहूंगा, कि सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए जो है वो सिलेबस जारी कर दिया है। ये एक बड़ा अपडेट है, बड़ा अपडेट। और मैं शॉकिंग अपडेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली न्यू सेशन को हमें देखना है 21-22 को। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इंपॉर्टेंट है, ये भी बात सही है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा अटेंशन किसी को ज़रूरत है वो है क्लास प्रीवियस सेशन वाले, जो क्लास 9 से लेकर के 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और स्पेशली अगर हम बात करें तो 10th और 12th के लिए। 10th और 12th को इस वक्त ज़रूरत थी क्वेश्चन बैंक की, लेकिन वो सीबीएसई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। जो प्रोवाइड अभी हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक क्लास 10th में सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक जारी हुए हैं, इंग्लिश और मैथ्स के। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मतलब मात्र ये 5 सब्जेक्ट्स के इन्होंने क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं, और वो भी कब, जब 1 महीना बाकी है। एनीवेज, मैं आपको इस जो एकेडमिक सेशन के लेकर के, जो सिलेबस को लेकर के अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप जो भी टीचर्स या स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इस जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है इसको देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको cbcacademic.nic.in पर जाकर के आपको जाना होगा और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई अप्रैल 2021 से, आपको पता होगा, न्यू सेशन ऑन करने का निर्देश दे चुका है। कैसे नहीं मालूम, क्योंकि ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ पर कोविड का सेकेंड अटैक इजिली फील किया जा सकता है। महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी, गुजरात, दिल्ली, मतलब कई राज्य जो हैं इस वक्त अटैक के पोजीशन पे हैं, जहाँ पे मतलब स्थिति गड़बड़ है। यहाँ तक कि पिछले बार की तुलना में ज़्यादा स्थिति गड़बड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीएसई ने इस तरह का फैसला लिया। बजाय इसके सीबीएसई को कुछ ये निकल करके आना चाहिए था कि किस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह से उनको रिलैक्स करवा सकता है, ये शायद ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। एकेडमिक सेशन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे साथ साथ में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट सिनेरियो के साथ में, प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में किस तरह से कोप अप कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीबीएसई ने स्कूलों से क्या कहा है, मैं आपको वो भी बता दूं। उन्होंने अपने सभी एफिलेटेड स्कूल्स, जितने भी देश भर में हैं और अब्रॉड में भी, विदेशों में भी, उनसे कहा है कि क्लास 9-10th कक्षा के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लागू करने के लिए एनसीईआरटी के नियमों को लागू करें। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्लास 9th और 10th इस बार फेस करेंगे, ठीक है। बोर्ड से कुछ ऐसे भी जो संसाधन हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके ज़रिए टीचर्स जो हैं वो अपने टीचिंग जो है उनका मेथड, उसको और बेहतर ढंग से प्रोवाइड करा पाएंगे, ऐसा सीबीएसई कह रहा है। और बोर्ड ने कहा है कि सिलेबस टीचर्स स्टूडेंट्स को दें, इससे पहले वो खुद से एक बार स्टडी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और स्कूलों के हेड को भी सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि सिलेबस को शुरुआत में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उसके लेकर के वो टीचर से बात करें। तो गाइज, यहाँ पे ये एक बड़ा अपडेट है कि एकेडमिक सेशन 21-22 के लिए क्लास 9 से लेके 12 तक के जो सिलेबस हैं वो जारी कर दिए गए हैं, न्यू सिलेबस जारी है। और क्लास 9th और 10th इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहे। तो गाइज, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है अब तक तो, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन, अपडेट्स सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड से रिगार्डिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए,
हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्विटर टेलीग्राम आपको ऊपर दिख रहा है, लिंक्स मौजूद हैं वहां पे आपको दिख जाएंगे, तो प्लीज गो फॉर दैट। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।